हेलो गाइस गाइस, कभी आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिला है जिसका नाम है रिस्पोंडिंग एरर। तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आपकी चलते चलते बंद हो जाती है और यहाँ पर तीन जो है आपको मैसेजेस देती है, एक तो ओके का, एक वेट का और एक रिपोर्ट का। ओके पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल बंद हो जाती है। दूसरे यहाँ पर वेट है, अगर आप वेटिंग पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन पुश हो जाती है, यानी कि ना तो चल सकती है ना ही ये बहुत देर बाद चल जाती है, जैसे कि हमारा मोबाइल हैंग वैंग वगैरह हो जाता है। और यहाँ पर एक होता है रिपोर्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा गाइस, और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहले तो गाइस, यहाँ पर आपको अगर ये एरर देखने को मिलता है तो मान लीजिए गाइस कि आपका प्रोसेसर काफ़ी हैवी नहीं है और इस एप्लीकेशन को चलाने के लायक नहीं है। फिर भी गाइस ऐसा होता है कि किसी के पास बहुत बड़ा सेट होता है उसके बाद भी ये हो जाता है। होता गाइस ऐसा है कि आप अपने मोबाइल पर ज़्यादा ही लोड डाल देते हैं, उसके बाद ही आपको एक एरर देखने को मिलता है। जैसे कि आप लॉगिंग वगैरह कुछ प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करते टाइम यहाँ पर आपको एरर दिखा सकता है, और ये बार बार नहीं दिखाता। अब जैसे आप ओके कर देंगे उसके बाद चलाएंगे तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी हर किसी को बार बार ये फेस करने को मिल सकता है, और बार बार फेस करने का मतलब है कि आपको हर एप्लीकेशन, ज़्यादातर एप्लीकेशन पर यही दिखेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। इस सबसे पहले आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पर आगे का स्क्रीनशॉट है और आपको वहाँ पर क्या टाइप करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ऐसा फीडबैक आएगा, और यहाँ पर इंक्लूडिंग सिस्टम लॉक्स वगैरह हर चीज़ जो होगी, आपकी पेज वेज वगैरह हर चीज़ जो है गूगल के पास पहुँच जाएगा। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फीडबैक लिखना है, यानी कि अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर ये डिवाइस आपको कंफर्म करेगा कि आपका डिवाइस सही है या गलत है इस एप्लीकेशन के लिए। तो आपको गूगल कुछ आंसर्स देगा, वो आपके जीमेल अकाउंट पर देगा। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं जो कि ये आते हैं, और जो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर लोग कर देते हैं, इस वजह से उनको पता चल जाता है। लेकिन ये जब एरर जब होता है जब कोई अपडेट वगैरह आता है, अदरवाइज़ ये जो है एरर नहीं आता। लेकिन फिर भी आपको आ रहा है तो किसी भी एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल रहा है तो आप उसका डेटा क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अब हम जाते हैं अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, ऐप्स में जाना है उसके बाद, और कुछ कोई सी भी एप्लीकेशन मान लीजिए, जैसे कि हमारी ऑडियो विज़न है तो ये जो है कंटेंट रिपोर्टिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें इसका डेटा क्लियर कर देना होगा। उसके बाद जो है आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। जब आप चलाएंगे तो ये परफेक्टली चल जाएगा, क्योंकि दोबारा से हुआ है इसका जो है, दोबारा से हमारे मोबाइल में स्टार्ट होगा, जो पहले इंक्लूडिंग डेटा होगा वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अपने मोबाइल को एक दफ़े बंद कर लीजिएगा गाइस, बाकी आपको डेटा क्लियर करने के बाद 99% तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जो आपका डेटा आईडी वगैरह है, कुछ एप्लीकेशन आईडी वगैरह लगाती हैं जीमेल आईडी, तो वो आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज़ आपको किस चीज़ और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो गाइस लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।